बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़े हुए। दरअसल राजनाथ सिंह के काफिले के सामने आज एक शख्स अचानक आ गया, जिसकी वजह से काफिले की गाड़ियों को रोकना पड़ा और उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने इस व्यक्ति को हटा करके थाने भेज दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक शख्स है जो कि पीले कलर का कुर्ता पहने हुआ है, सर पर उसने सैफ्रॉन कलर का एक रुमाल बांध रखा है और दो पुलिस वाले उसे पकड़ करके ले जा रहे हैं। मगर ये कौन है शख्स? आखिर राजनाथ सिंह के गाड़ी के सामने, काफिले के सामने ये शख्स क्यों आया? इसकी परेशानी क्या थी, इसकी दिक्कत क्या थी और ये क्या दर्शाना चाह रहा था? ये देखिए, पुलिस वाले उसे खींच कर ले जा रहे हैं और पुलिस वालों के बीच में वो शख्स अपनी ही धुन में नजर आ रहा है। यहां तक कि पुलिस वालों को उसे गोद में उठाना पड़ा और आगे लेकर के चलते हुए उसे डिटेन किया गया। तो ये पार्लियामेंट के सामने की तस्वीर है, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने विजय चौक का ये पूरा इलाका है, जहां पर आमतौर पर ये जिस हिस्से में ले जाया जा रहा है ये शख्स, पार्लियामेंट उसके सामने विजय चौक, और जहां पर आमतौर पर जब सेशन चलता है तो सांसदों की गाड़ियां पार्क होती हैं वहां पर। मगर ये शख्स है कौन और इसने ऐसा किया क्यों?